यू आर आई लव यू वाला, इसे क्या बोलते हैं, आई लव यू गिफ्ट। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। तो गाइस यू नो व्हाट, ब्लॉग बहुत दिनों से नहीं आ पा रहा था। एक्चुअली ऑलमोस्ट 1 month हो गया तब से ब्लॉग नहीं आ पा रहा है। सो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ ऐसा था कि मैं नहीं बना पा रहा था किसी वजह से। बट एकदम से ऐसा हुआ था, मैं भाई एक जट प्रभुजोत भाई जी हैं, जट प्रभुजोत उनका ना मैंने देखा एक्सीडेंट हो गया भाई, अभी हो गया मैं भी 10-15 दिन। मतलब मैं क्या उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया, मगर यार रियली उनके लिए बहुत दुख हुआ। मतलब वो उनके बहुत बड़ा फैन हूँ और वो एक बहुत बड़े भाई, मैं उनसे इंस्पायर्ड होता हूँ, उनसे देख देख के वीडियो बनाया भाई उसका। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस, बट बहुत दिनों से उसका अपडेट भी नहीं मिला कि उसकी तबीयत कैसी है, उसको भी नहीं पता चला। बट अभी फाइनली पता चला कि भाई जट प्रभुजोत भाई सही है, नेपाल में हॉस्पिटल में एडमिट है और मतलब पहले से उनकी तबीयत अच्छी है। तो यार शुक्र दया भगवान का अच्छी है। मैं वैसे भी अभी मैं एक जगह मंदिर पे जाऊंगा उनके लिए भाई दुआ किया, मतलब दुआ करता भी हूँ कि यार भाई जल्दी सही हो जाए जट प्रभुजोत जी। और ना उनकी उनके बारे में बहुत लोगों ने यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या अफवाह भी उठाया, तो यार उसके लिए मेरा दिमाग इतना खराब था कि मतलब मेरा मन हो गया मैं एक वीडियो जरूरी बनाना चाहिए ना, क्योंकि यार भाई किसी पे ऐसा यार मतलब एक व्यूज के लिए आप किसी पे गंदा टॉपिक क्यों यूज करते हैं, ऐसा गलत होता है, मुझे अच्छा नहीं लगा। बट कोई बात नहीं, उनके लिए मैं दुआ करूंगा कि वो आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे भाई। तो हाँ अभी और ना मैं आपको एक मतलब ये ब्लॉग स्टार्ट हो गया जो एक महीने ऑलमोस्ट नहीं आया था ब्लॉग, तो उसके लिए सॉरी। बट ऑलमोस्ट अब मेरा ब्लॉग नॉर्थ ईस्ट का स्टार्ट होगा, तो अब आपको डेली ब्लॉग मिलेगा, आपको अब कभी गैप नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अब कभी गैप ना दूं, जो एक महीने का बीच मिला तो उसका ना कुछ बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम होती है, फैमिली प्रॉब्लम, तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट आप लोग कहोगे तो आगे चल के अभी बता दूंगा। बट कोई नहीं, अभी तो मैं मतलब अभी भी तो मैं घर पे हूँ, मतलब अपने सिटी में हूँ। तो अभी मेरी ट्रिप यहाँ से नेक्स्ट, मगर मैं कल 2 दिन में निकल जाऊंगा ट्रिप के लिए नॉर्थ ईस्ट, जो सारा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है ना, तो वो सारा करूँगा। तो हाँ इतना अभी आपको अपडेट भी बताना था। और भाई जट प्रभुजोत के लिए आप लोग करिएगा दुआ कि जल्दी भाई सही हो जाए, और जैसा होगा उनके बारे में अपडेट भी दूंगा आपको। और अभी मैं जाऊंगा ना एक भाई झाड़ी बाबा का मेला लगता है हमारे यहाँ, बहुत फेमस है भाई वहाँ पे दरगाह है, मतलब बहुत अच्छा, सबसे मतलब हमारे एरिया का बहुत बड़ा मेला होता है, बहुत फेमस मेला भी है, बहुत पुराना और एक मान्यता है लोगों की, मतलब बहुत अच्छा है दरगाह है ना। तो ओके कोई बात नहीं, तो भाई चलते हैं, लेट्स गो, और मिलते हैं आपको सीधे मेले में। और भाई प्लीज़ आप लोग प्रे कीजिएगा जट प्रभुजोत के लिए, क्यों ना भाई उनके जब से बताने जब मुझे बहुत टेंशन हुई थी भाई, कहने ना यार भाई मुझे उसका मतलब एक बात करने का तरीका और बहुत कुछ है ना उसके बारे में हमको अच्छी लगता है भाई। एक साथ में वो मेरा एक साथ में उसको कह सकता हूँ आई एम बिग फैन, लाइक मेरा फेवरेट है, यूट्यूबर है भाई, तो उसके लिए मैं दुआ तो करूँगा जरूरी। तो आप भी करिएगा और मेरे लिए भी करिएगा कि यार आप लोग मतलब एक महीने से नहीं बना पाए कुछ प्रॉब्लम भाई, तो बीस मेरे लिए अच्छा गुड लक के लिए दुआ करना। तो चलते हैं यार, लेट्स गो। एंड नाउ हम लोग आ चुके हैं झाड़ी साहब भैरव मेला एकदम से, मेरा दोस्त के साथ हूँ, बहुत सारी वीडियो में आपने देख चुका है मिस्टर राहुल जी। एंड चलते हैं आपको, लेट्स गो घुमाते हैं मिस्टर। एंड ये इसका एंट्री पॉइंट कुछ इस टाइप का, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारे यहाँ का, मतलब ये हमारे का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मेला होता है ये, एंड सबसे एक तो ये आखिरी मेला है, कम से कम ये लगता है एक 1 week लगता है ना राहुल, एक हफ्ते कम से कम लगता है, तो ये लास्ट मेला है, तो लास्ट में जानते हो भाई कोई भी चीज लास्ट है तो क्राउड तो होगा, ये देखो कितना खतरनाक वाला क्राउड है। ये है हजरत सैयद रब्बानी जी के मजा रहे हैं, और मतलब मेन मेला ये इनके नाम पर ही होता है। थोड़ा थोड़ा इधर चले यार भाई, ये मजा आ रहा है, देखो अंदर दिख रहा होगा शायद, मजा आ रहा है, मतलब ये हजरत मोहम्मद सैयद जी की। मैं ऐसा करता हूँ कि मतलब जट प्रभुजोत जी को जल्दी सही करें भगवान अल्लाह, हम इसे विश करते हैं। और ये देख लीजिए आप, ये दर्शन कर लो इनके। गाइस आपको मैं बाहर से ही दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ना इसके अंदर तो जाने नहीं देंगे, जो मतलब दर्शन कर सकते हो बट अंदर जाके वीडियो अलाउ नहीं होता, तो मैं आपको बाहर से ही दिखा देता हूँ, इसके लिए सॉरी भाई। लेट्स गो, चलो राहुल चलें, आपको करा दिया दर्शन बाबा जी के। और आप भी दुआ करना यार भाई जट प्रभुजोत जल्दी ठीक हो जाए यार, क्योंकि ना उसके वीडियो भाई बहुत मैं मिस करता हूँ, आप भी करते होंगे यार भाई, कौन नहीं जानता जट प्रभुजोत को।
चलो कोई बात नहीं, ये तो सब हो चुका। और आपको अब मतलब फाइनली इतना इमोशनल टॉर्चर भी किया, थोड़ा दुआ भी मांगा, डेजर्ट भी कराया, तो अब थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करा देता हूँ भाई आपको, मेला ही दिखा दो कम से कम यहाँ का। मेरा मेन टारगेट था मतलब भाई के लिए दुआ मांगना, ना कि मुझे मेला घूमने का इतना शौक नहीं था, बट मैं आया हूँ तो कम से कम दिखाई देता हूँ आपको, मतलब जहाँ से आप एंटर। ये भाई देखो कितना बड़ा मेला यार, खतरनाक का, मतलब झूला देखो सबसे बड़ा ये वाला, मतलब किस किस टाइप के झूले हैं हमको इसका नाम भी नहीं पता। ये एक झूला देखा वो इधर ट्रेन भी है, और सबसे ज़्यादा तो खतरनाक भीड़ है। ये इधर आइसक्रीम का मतलब खाने पीने का भी सारा इंतजाम है। वेल देखा जाए तो ठीक है यार। और भाई ना ये मतलब मेला इतना बड़ा है, कम से कम ग्राउंड इसका 2 किलोमीटर का ग्राउंड का है भाई, इतना बड़ा। देखो इधर इतनी मतलब पने कितनी दूर पे, यहाँ पे दंगल भी हुआ था, मतलब दंगल वाले दिन आया था बट वीडियो वगैरह नहीं छूट गया था भाई। आपको मैंने बताया था पहले स्टार्टिंग में कि मतलब यार आपके एक महीने से वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट क्या करेंगे यार, कम से कम मतलब भाई की दुआ के लिए हमने आ गए तो यार वीडियो में। मगर आप कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको डेली ब्लॉग देखने को मिलेगा नॉर्मली, आपको जो मतलब आपके जो एक महीने का ब्लॉग कम से कम बन रहा भाई नहीं बना पाया ना, उसके लिए आप तो नहीं होगा, मगर हो गया सो यार क्या किया जाए, कुछ होते हैं फैमिली प्रॉब्लम जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट कोई बात नहीं। आप आपको ब्लॉग तो देखने को मिलेगा, डेली मिलेगा ऑलमोस्ट, अभी जो ये वीडियो आएगा उसके बाद शायद आपको एक या दो दिन ना मिले, मगर उसके बाद जो ब्लॉग आएगा आपको डेली मिलेगा। सो आप ब्लॉग जरूर देखिए और शेयर किया करो यार, भाई बहुत खर्चा होता है आप जानते हो यार ट्रैवलिंग में, तो यार थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा मोटिवेट करो आप लोग हमको, और मेले का एंजॉय करो। अच्छा एक बात है, मुझे इस महल में साथ में बहुत ही मजा आ रहा है रियली। मैं मतलब वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाह रहा, बट रियली मतलब मैं ज्यादा अगर दिखाऊंगा तो लॉन्ग हो जाएगा, तो वो भी आपको दिक्कत भाई, एक दो घंटे का थोड़ी आप देख लोगे, बट मेन मुझे जो सही लग रहा है वो दिखा रहा हूँ। और बट रियली बहुत आसम है, बहुत मजा आ रहा है भाई, एंजॉय हो रहा है बहुत। राहुल जल्दी आओ यार, ये हमारे मिस्टर राहुल जी हमारे महाराज दोस्त, जल्दी कीजिए। मैंने ना एक चीज खरीद लिया और यार आपको वहाँ पे वीडियो पे दिखाया नहीं, भूल गया, ध्यान ही नहीं रहा इतना, तो कोई नहीं आप ये इत्र खरीदे दो, एक पड़ा 100 रुपए का, एक पड़ा मतलब नहीं एक बताया था 100 का, एक बताया था 60 का, बट 140 में दे दिया मैंने, 20 रुपए का पैदा कर लिया। बट अच्छा मुझे मतलब मैं अच्छा लगा इत्र वगैरह हमारे यहाँ लखनऊ वगैरह या फिर यहाँ पे अच्छा मिल जाता है, सस्ता भी मिल जाता है क्योंकि हमारे एरिया में ज्यादातर बनता है ना। ओह माय गॉड, ये देखो कितने सारे हार्ट्स वाले के, कितने सारे खिलौने, आई लव यू, अरे आई लव यू वाला, इसे क्या बोलते हैं आई लव यू के टोटे। भाई रियली घूमते कम से कम 3 घंटे हो गए यार, मतलब इतना थक गए हैं, फिर भी मतलब जो हमको सही लगा दिखा दिया, बट एक तो भीड़ इतना है तो देख के भीड़ आप लोग डर जाओगे। ओ भाई मतलब निकलने की जगह भी नहीं यार, इतना देखो इतनी खतरनाक वाली भीड़ हो रही है यार, आखिरी है ना इसलिए तो भीड़ तो होनी नॉर्मल सी बात है, ऐसे तो भीड़ हमेशा रहती है यहाँ पे, आखिरी एक तो है तो नॉर्मल बात है, भीड़ तो होनी ही है। सो गाइस इतना थक गए थे ना यार, मतलब आपको मैंने मेला भी दिखाया और झाड़ी साहब बाबा मतलब जो पीए बाबा थे उनके दर्शन भी कराए, आपको अच्छा ही लगेगा। अबे मैं इतना थक गया जितना मतलब मुझे सही लगा उतना मतलब मैंने आपको दिखाया, बट वहाँ से मंदिर मतलब जो मेला था उसका क्रॉस कर लिया, उसके वहाँ से आउटसाइड आया भाई। सो आपको जैसा लगा वैसा भाई आप कमेंट जरूर करिएगा भाई। जट आखिरी टाइम बताता हूँ, जट प्रभोज्योत के लिए आप विश कीजिएगा गया भाई, जल्दी सही हो जाए हमारे भाई लोग। और हाँ आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और भाई हाँ आपको मैं लास्ट में फिर बता दूँ, रिमेम्बर करा दूँ कि भाई आपको जल्दी नॉर्थ ईस्ट के जो सारे स्टेट हैं मैं कंप्लीट करूँगा, वो भी खतरनाक वाला एडवेंचर होगा,
तो मतलब वो शायद मतलब इंडिया में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर जिसने किया होगा, बट मैं ऐसे तरीके से करूंगा कि आप भाई मेरे पे गर्व करेंगे, भाई कहेंगे कि आपका भाई बहुत अच्छे से कर रहा है। सो रियली आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए जिसका नाम है लाइफ विद इंडियन पासपोर्ट। सो गाइस मिलते हैं, टाटा बाय बाय।